नवंबर में आईपीएल का ऑक्शन होना है और इसके लिए सभी टीमें तैयार हो गई, क्योंकि 30 अक्टूबर से पहले सभी टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी है। ऐसे में एसआरएच ने भी अपनी रिटेंशन जो लिस्ट है उसको फाइनल कर ली है। पिछली बार एसआरएच की टीम ने बाकी टीमों की हालत खराब कर दी थी जब भी ये बैटिंग करने आते थे, तो अब की बार 300 पार का नारा लग रहा था। ट्रेविस सेड और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई बाकी टीमों को इनके सामने आना ही नहीं चाहिए। फाइनल में केकेआर ने इनको हरा दिया था, लेकिन सवाल है कि इस बार इस तूफानी टीम के वो 6 खिलाड़ी कौन होंगे जो टीम रिटेन करने वाले, क्योंकि इस बार जो आईपीएल रिटेंशन की पॉलिसी आई है उसके तहत आप 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, जिसमें 5 कैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं, 1 अनकैप्ड रहेगा और इसमें आरटीएम भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके मुताबिक अगर आप देखें जो पहला खिलाड़ी होगा उस पर आपको 18 करोड़ खर्च करना पड़ेगा अगर आप रिटेन करते हैं, दूसरा जो है 14, तीसरा 11, चौथा जो है वो 18, फिर पांचवा जो है वो यहाँ पर आपको रिटेन करने पड़ेंगे 14 करोड़, यानी कि आपके अच्छे खासे अमाउंट यहाँ पर खर्च हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में एक सीरीज पहले इनके पास एक अनकैप्ड खिलाड़ी सस्ते दाम में मिल जाता, क्योंकि अनकैप्ड के लिए आपको 4 करोड़ खर्च करने पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया और फिर एसआरएस की उस उम्मीदों पर पानी जरूर फिर गया। लेकिन बात करते हैं कि एसआरएस के रिटेंशन लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो रहने वाला है कप्तान पैट कमिंस का, जो कप्तानी भी करेंगे। 18 करोड़ रुपए में एसआरएस इनको रिटेन करने वाली है, संभावित लिस्ट आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जिन्होंने आतंक मचा के रखा था पिछले आईपीएल में और उसके बाद से लगातार बेहतर कर रहे हैं, तो ट्रेविस हेड 14 करोड़। वही नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा, क्योंकि ट्रेविस हेड को बेहतर जोड़ीदार मिलता है अभिषेक शर्मा के साथ और वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो ऐसे में ये 3 रिटेंशन हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें नंबर 4 पर हेनरी क्लासन हो गए 18 करोड़ में। इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि क्लासन की भी प्रदर्शन अगर आप देखेंगे इस तरीके का है। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी 14 करोड़। अब ये तो मैंने आपको एक संभावित लिस्ट बता दी, इसमें आरटीएम जाएंगे तो अनकैप की तरफ जाना पड़ेगा, जो अब्दुल समद हो सकते हैं या फिर किसी और खिलाड़ी की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो शहबाज अहमद हो जाए, ये आपको जाना पड़ेगा अगर मान लीजिए आप टीम बना रहे हैं। लेकिन इसमें टीम ये भी कर सकती है कि आप 3+2 के समीकरण से जाए, 3 खिलाड़ियों को रिटेन करें और 2 फिर आप आरटीएम यूज कर सकते हैं। अब उसमें अगर आप इन 5ों में ऐसा खर्च करना है कि अगर आप नीतीश रेड्डी को 11 करोड़ नहीं देना चाह रहे हैं या फिर इस रकम पे नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनको आपको आरटीएम के तहत यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। जैसे अभिषेक को मैंने 11 करोड़ पे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें नीतीश को 11 हो सकता है, अभिषेक को 14 करोड़ हो सकता है, तो ये एक यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसलिए अभिषेक को 11 रखा है कि नीतीश रेड्डी जिस तरीके से अभी हाल में इंडिया डेब्यू किया, गेंदबाजी और ऑलराउंडर वाला जो मामला है, उन्होंने पिछली बार बहुत ही ज़बरदस्त पारियाँ खेली थी, इसलिए मैंने नीतीश की जो रकम है अभिषेक से ज़्यादा रखी है। तो ये एक चीज़ें हो सकती हैं। बाकी या तो ये हो कि भाई 3 रिटेन हो जाएंगे आपके, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, उसके अलावा 2 को आप आरटीएम के तहत लो। आरटीएम को आपको बता दें कि आरटीएम में करना क्या है कि आपने बोली लगाई, यानी कि किसी खिलाड़ी पर मान लीजिए हेनरी क्लासन ऑक्शन में जाते हैं और उन पर बोली आरसीबी ने लगा दी कि भाई 10 करोड़। अब ऐसे में क्या होगा, जो उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी है वो उसे बोला जाएगा भाई आप अपना आरटीएम यूज़ कर सकते हो, तो 10 करोड़ पर जैसे आरटीएम यूज़ करेंगे तो आरसीबी के पास फिर एक मौका होगा कि उस बोली को बढ़ाने का, उन्होंने बोल दिया भाई नहीं 15 करोड़, लेकिन दूसरी उनके पास फिर से राइट टू मैच का जो अधिकार है वो रहेगा, फिर वो 15 करोड़ पर ले सकते हैं। इसलिए बाकी फ्रेंचाइजियों ने शिकायत करी कि भाई इस नियम के तहत खिलाड़ियों की बोली बढ़ाया जा सकता है, अगर आप खरीदना भी नहीं चाह रहे, आपको पता है कि खिलाड़ी इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर बोली लगवा सकते हैं। तो ये हो रहा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने लिस्ट बताई कुछ ऐसी ही रहने वाला है आपके हिसाब से? भुवनेश्वर कुमार इसमें ऐड हो सकते हैं या कोई और खिलाड़ी, उमरान मलिक या नटराजन? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।